आज मालेगांव आवामी पार्टी शहरी मसाइल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया शहर के हालात से बाखूबी वाकिफ है कि आज शहर में क्या चल रहा है। शहर की आवाम बुनियादी सहूलियात को लेकर के इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इंतहाई परेशान, बेमदद, बेयार बैठी हुई है कि कौन हमारी मदद के लिए आए। ना एक स्वच्छता का निज़ाम है, अतिक्रमण ट्रैफिक से आज ये हालत हो गई है कि खुद एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ी, सभी लोग ट्रैफिक के अंदर फंस जा रहे हैं। किसी को स्कूली बच्चे वालदैन छोड़ने के लिए स्कूल में आ रहे हैं तो बच्चे एक एक घंटा, एक एक आधा आधा घंटा स्कूलों में पहुंचने में लेट हो जा रहे हैं। आज आवामी पार्टी ने आप मीडिया के सामने, आवाम के सामने अपने मंसूर को रखा है कि हम शहर के किन किन मामलात पे काम करना चाहते हैं। आज शहर के तमाम और जिम्मेदारान, तमाम बड़े लीडरान जिन्हें आवाम का काम करना चाहिए, आपस में लड़ने झगड़ने, एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने से इनके पास छुट्टी नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख है कि जिस जगह भी प्रशासक राज होता है, जिस शहर में भी प्रशासक बैठता है सरकार की तरफ से, उस शहर का चेहरा मोहरा सब बदली हो जाता है। लेकिन मालेगांव शहर एक अजीब और गरीब शहर है। जो मालेगांव शहर में आज तकरीबन 2 साल से प्रशासक राज बैठा हुआ है, लेकिन इतनी ख़राब हालत तो जब मेयर थे, कॉरपोरेटर थे, तब भी नहीं थी। जो कमिश्नर आता है वो अपनी लूट मार में लग जाता है। जो मालेगांव शहर का बजट 500 से 600 करोड़ रुपया सालाना था, प्रशासक राज ने उसे अभी 1000 करोड़ रुपया डिक्लेयर कर दिया है सालाना। ये पैसा कहाँ से आएगा? क्या महानगर पालिका को भारत सरकार पैसा भेजने वाली है, महाराष्ट्र सरकार पैसा भेजने वाली है? जी नहीं, ये पैसा मालेगांव शहर की जनता से, मालेगांव शहर की आवाम से वसूला जाएगा। और आज हालत ये है कि एक गटरे साफ नहीं हो रही है। 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर जल तल हो गया। हम ये चाहते हैं, हम एक छोटा सा मंसूर बनाए हैं जो आवाम के बीच में हम भेजना चाहते हैं। हमने कुछ स्लोगन लगाया है, किसी ने इस साल में 35 साल राज किया, किसी ने 30 साल किया, किसी ने 20 साल किया, किसी ने 17 साल राज किया। बैतुल माल की हिफाजत के नाम पे बैतुल माल तो बचे ही नहीं है। हम प्रशासक के माननीय कमिश्नर साहब से अपील करना चाह रहे हैं कि 1000 करोड़ आम लोगों को ना समझ में आता हो, सर आपको तो समझता है। ये दोहरा सुलूक मालेगांव शहर की आवाम के साथ क्यों किया जा रहा है? अतिक्रमण हटाने का नाम नहीं, आज हटाते हैं, कल एक दिन पहले आपके ऑफिसर आके बोलते हैं अतिक्रमण हटा लो, कल आने वाले हैं हम लोग, परसों से लगा लेना। आज स्कूली बच्चे, हॉस्पिटल में जाने वाले, आम पब्लिक बाजार में जाने वाली, कहीं भी जाने वाली, किसी मालेगांव शहर की गली नहीं बची है जहाँ से वो घुस के निकल सके। अब तो पुलिस वाले भी ढूंढते पतली गली, भैया किधर से निकल के अपन टाइम पे पहुँच पाए, लेकिन वो भी नहीं पहुँच पाते। हमारी माननीय कमिश्नर साहब से अपील है कि आप फौरी तौर से मालेगांव शहर से अतिक्रमण का खात्मा करें। मालेगांव शहर की आवाम की बुनियादी सहूलियात पे ध्यान दें।
आपके पास छोटे मोटे काम लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आँख बंद नहीं है, आप आँख खोल के बैठे हैं, आप काम कीजिए, स्वच्छता पे ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल पे ध्यान दीजिए, ये सब कुछ नहीं होता है। तो अब मालेगांव शहर में आवामी पार्टी एक्टिव हो चुकी है, हम इनके हर मामले में हर मुद्दे पे हम आंदोलन खड़ा करेंगे, आवाम का हक आवाम को दिलाएंगे। और हम जानते हैं कि कॉरपोरेशन के नीचे से लेके ऊपर तक अधिकारी आज 24-25% रिश्वत खा रहे हैं। माननीय कमिश्नर जी, हम आप इस मीडिया के माध्यम से आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके अधिकारी 25% 1,00,000 में से 25,00,000 रुपया रिश्वत ले रहे हैं। अभी रंगे हाथ एक पकड़ा गया। मैं सब जानता हूँ किस कुर्सी पे 0.5% दिया जा रहा है, किस कुर्सी पे 1%, किस कुर्सी पे 5% और किसको 10%। ये बंद होना चाहिए, जनता का पैसा है, आप टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, आवाम से पैसा लूटे जा रहे हो, तो आप सरकार से पगार भी ले रहे हो और आवाम का पैसा भी चोरी कर रहे हो। जो काम, जो सड़कें बन रही है उसके ऊपर बाकायदा पट्टा मारा जाए, जो चौरस्ता है वहाँ पे आप ऐसा ब्रेकर बनाइए जिससे लोगों को तकलीफ भी ना हो और आसानी से लोग निकल जाए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमको मालूम है कौन सा ऑफिसर नार्सिस के बंगले में बुला के पैसा ले रहा है, कौन चांदोड़ की होटल पे ले रहा है, कौन धुलिया रोड पे बैठ के पैसा ले रहा है और किसके बंगले पे कौन सी मिठाई के पूड़े के साथ में पैसा जा रहा है। आप सब एंटी करप्शन के जद में आने वाले हैं। हमारी शहरियान से अपील है कि आप कब तक बर्दाश्त करोगे, कब तक देखोगे। 75 साल से मालेगांव शहर दिन ब दिन बस से बदतर होते जा रहा है। मालेगांव शहर की एक बहुत बड़ी नस्ल जो नशा में तबाह और बर्बाद होते जा रही है। कहीं ना कहीं मालेगांव शहर के सियासी लीडरान की ये देन है, इसे रुकना चाहिए। नौजवान नस्लें बर्बाद हो रही है। हमारा मुतालबा है शहरियान से कि हमने ये जो स्लोगन और नारा लगाया है, आप चाहते हैं कि तब्दीली हो तो मालेगांव आवामी पार्टी का हाथ मजबूत करें, हम आपके साथ आपके मुद्दे पे लड़ने के लिए, काम करने के लिए। अब प्रशासक को समझ में आएगा कि आवाम अब सड़क पे उतर के तुमसे काम लेंगी। हम शहर के तमाम कई पार्टी के लोगों से मिले जो आवाम के लिए सरगर्म होते हैं, हम शहर की कई तंजीमों से मिले, कई जमातों से मिले, सबका कुल जमा कहना यही है कि कुछ भी काम नहीं है शहर में, कुछ भी काम नहीं है। अब ये लोग आज मालेगांव आम आदमी पार्टी को शाह बिरादरी के बहुत सारे बड़े जिम्मेदारों ने हिमायत और ताईद दी, हमें सुलेमानी जमीयत ने खुल के हिमायत और ताईद दी कि हम आपके साथ आवामी पार्टी जो मंसूर लाई है, जो मुद्दा लाई है, हम उसके साथ खड़े हैं। एंटी मुल्ला बोरा जमात, उन्होंने शहर के इस मसाइल को एहसास करते हुए कि हकीकत में तकलीफ़ है, उन्होंने हमें हिमायत दी। मंसूरी बिरादरी ने हमें हिमायत दी। मुल्कों की दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों ने ये एहसास किया कि यार ये ज़रूरत है, उन्होंने इस मुद्दे को हिमायत दी। हमारी आवाम से गुजारिश है कि हमारा मंसूर आप मीडिया के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आवाम उस पर ध्यान दे। आवामी पार्टी आवाम के काम के लिए हर वक्त खड़ी रहेंगी। कुल चलाएंगे जनाब, जनाब हम पहले इन्हें निवेदन देंगे, हम प्रशासक को निवेदन देंगे, हम शासन को निवेदन देंगे कि साहब ये जनता की डिमांड है, ये काम होना चाहिए। हमारे वक्त में अगर जो काम पूरा नहीं हुआ तो फिर ये शासक और प्रशासक दोनों समझ लेवे कि अब आवामी जंग लड़ी जाएंगी। किस हद तक जाएंगे हम बता नहीं सकते।
उम्मीद तौर पर ऐसा होता है कि मानसून जो है इलेक्शन के पीरियड में जाहिर किया जाता है। अभी कोई कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं होता, 3 से 4 माह के बाद जो है असम भर इलेक्शन हो सकते हैं, तो क्या आवामी पार्टी असम भर इलेक्शन में हिस्सा लेगी? सर हमारे पास शहर के कई बड़े लोगों के नाम हैं असम्बली के लिए। हमारे पास शहर के कुछ बड़े ओलमाए किराम के भी नाम हैं असम्बली के लिए। हमारी पूरी मालेगांव आवामी पार्टी के जिम्मेदारान उनसे राफ्ता करेंगे, आपको बताएंगे। अगर जो आवाम चाहती है कि आवामी पार्टी अपना असम्बली में उम्मीदवार उतारे, तो रिजवान बैटरी वाला तैयार है कि शहर से ऐसे काबिल इंसान आए जो शहर का भला कर सके, हम उनके लिए तैयार हैं, उन्हें टिकट देंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे। आवामी पार्टी तो हमेशा, आज 14 साल से आप लोगों के लग रिकॉर्ड है ना सर, आवाम के लिए हमने क्या नहीं मुद्दा उठाए। आवामी पार्टी एक मंसूर तैयार कर रही थी, एक टीम तैयार कर रही थी। आपको दिख रहा होगा कि आज अल्लाह ने एक टीम खड़ी कर दी है और हम इसी टीम के ज़रिए अब आवाम के काम करेंगे। सर आप जब कोई भी तहरीक लेकर के उठते हैं फिर अचानक से खामोशी हो जाती है, आप पर ये भी इल्ज़ाम है कि आपने मौजूदा MLA को जिताने के लिए ये सब तहरीकें चलाई, बदलवाने की बातें की, और अभी नज़र आ रहे कि यहाँ पर कांग्रेस के नायब सदर बैठे हुए हैं, तो क्या इस मतलब आवामी पार्टी कांग्रेस से कोलैबोरेशन कर रही है या एजाजगढ़ के कहने पे आप ये हो? सर आवामी पार्टी खुद एक पार्टी है, वो खुद उसका कैंडिडेट अगर जो शहर ज्ञान चाहेंगी पार्टी चाहेंगी तो उतारेंगी, हम किसी की हिमायत क्यों करेंगे? हम उनके साथ खड़े हैं जो शहर की आवाम के मसाइल के साथ खड़े हैं। रह कहा गया सवाल सर, 17 साल भी लिखा है हमने किसी को जिताने के लिए डाला है, तो 17 साल भी लिखा है, आवाम देख रही है। हम बदउनवानी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम पूछ रहे कॉरपोरेशन का आपको बजट नहीं समझता क्या? नदी के उस पार रात को हम लोग आ रहे थे एक हॉस्पिटल में से, तो एक मशीन देखे हमारे साथियों ने कि सड़क को साफ कर रही है एक बड़ी गाड़ी, धूल साफ कर रही है रोड की। भाई उधर गाड़ी धूल साफ कर रही है, मालेगांव शहर में झाड़ू भी नहीं बचा है लगाने के लिए, तो शहर के जिसे, चलो मान लो जिसे हमने जिताया वो कहाँ है आज? आवाम के मसाइल को लेके आवामी पार्टी तो आज भी मसाइल पे खड़ी है सर। आवाम के साथ सर, आज के टाइम में आप खुद आवाम से पूछ लीजिए सर, स्कूली बच्चों को छोड़ने के लिए ट्रैफिक का निज़ाम, सुनिए ना सर, हॉस्पिटल का निज़ाम, दीगर निज़ाम, सरकारी दफ्तरों का निज़ाम, किसी भी मामले में आज आवाम तल तल कर रही है, उनके साथ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? सब लीडरान तो आज छुट्टी मना रहे हैं, हर लीडर तो एक दूसरे को गाली दे रहा है सर, आवाम के मसाइल कहाँ हैं? हम ये चाहते हैं आवाम के मसाइल पे बात हो, स्टेज पे ये मत बताओ कि आपकी खानदान क्या करी, उनकी खानदान, शहर की आवाम को तुम्हारी खानदान से कुछ लेना देना नहीं है। शहर की आवाम चाहती है शहर के काम कीजिए, शहर में अमन अमान बरकरार रखिए, आप अपना काम कीजिए, जनता अपना काम करे। हम ये कहना चाह रहे हैं जितनी भी सरकारी ऑफिसें हैं, नदी के उस पार जा रही है, माननीय कमिश्नर जी से, हम कलेक्टर साहब से, माननीय मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहेंगे कि इधर 70-80% के करीब आबादी है, आप ये जातिवाद का खेल खेलना बंद कीजिए। अगर जो आप सरकारी ऑफिसें उधर ले जाएंगे, हम उसके खिलाफ ज़बरदस्त तहरीक चलाएंगे। जो मुस्लिम टैक्स भरती है, जो मुस्लिम का काम है, वो सारे सरकारी दफ्तर हमारे इलाके में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, दोनों समाज के लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप वन साइड काम करोगे, हम आपके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। तो वही तो फिर मैं कह रहा हूँ, आप ही आप पूछ रहे थे अभी आपकी कौन से लीडर सही है। हर किसी के खिलाफ आवामी पार्टी आवाम के मसाइल पे, आवामी के कार्यकर्ता गांधियाई तरीके पे, चाहे गांधी जेल में गए, हमें भी जेल में जाना पड़ा तो उसके लिए हम रेडी है। तो
सर अभी जो दो दो पाँच पाँच करोड़ की सड़कें बन रही है, अभी जो बनी है, थोड़ी सी बारिश हुई सारी छछुंदर बाहर आ गई है सड़कों पे। 50% 40% करप्शन कर रहे हैं, ठेकेदार को लूट रहे हैं, ऐसा लूट रहे ठेकेदार को कि ठेकेदार भी रोड पे आने के बाद सोच रहा है कि अब मैं क्या बचाऊं और काम क्या करूं। इसमें कॉरपोरेशन के साथ शहर के लीडवान भी मौजूद है, शामिल है इसके अंदर। राती की बात है, अभी माननीय पास ना हम एहसास कर रहे हैं, इसलिए दम पे अतिक्रमण करने दे रहे हो, क्यों नहीं हटा रहे, कौन आपको रोक के रखा है। 53 घंटा गाड़ियां हैं, 3 घंटा गाड़ी जूनी टूटी फूटी के टायर उचका के ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चलते रहती, कहाँ है वो गाड़ी। 5 गाड़ी मैं आप मीडिया के जरिए से बता रहा हूँ, नई पेटी पैक जो हॉस्पिटलों में देने के लिए मंगाई गई, 3 साल से वाटर सप्लाई में सड़ रही है। कॉरपोरेशन की बिल लाखों में करोड़ों में निकाली जा रही है। अतिक्रमण पहली फोर्स, मैं हमेशा कहा हूँ अतिक्रमण मालेगांव शहर के लिए एक नासूर और एक कैंसर बन गया है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये जानबूझ के चाहते हैं कमिश्नर और प्रशासक कि मुस्लिम इलाके में काम ना हो, और हो तो इंतहाई चोरी चमारी में काम हो। अगर जो उनकी कामयाबी में हमारा हाथ है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको कोई का एहसास ही नहीं है कि मुझे किसी ने कामयाब किया है, किसी ने मिल के हमारे को साथ दे के कामयाब करवाया है। उनकी कारकर्दगी से हम 1% भी मुतमईन नहीं है। 1000 खोली पहली गली 2 करोड़ की सड़क बनी, रिजवान बैटरी वाले ने कहा कि ये 70 लाख रुपये का भी काम नहीं है, 1 करोड़ 30 लाख की बदउनवानी है। अगर जो मुतमईन और मुफ्ती साहब मुतमईन है तो इसका मतलब चोरों के साथ में है। मैं और शहरियान मेरे मोहल्ले के लोग मुतमईन नहीं है। कहाँ कामयाब, कौन सा काम है सर आप बता दीजिए, हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर जो कुछ दिख रहा है तो बता दीजिए सर। अली अकबर अपने हारून अंसारी हॉस्पिटल सर मालेगांव शहर का भी आज सबसे बड़ा हॉस्पिटल बोल लो, सरकारी हॉस्पिटल, 15 साल से वो गटर का पानी सड़क पे है। क्या मुफ्ती साहब ने उस पानी को गटर को बना दिया, उस सड़क को बना दिया? हज़ारों की तादाद में मदरसे से बच्चे बच्चियां निकलते हैं, स्कूली बच्चे जाते हैं, उसी गंदे पानी में क्या वो सुविधा कर दी? क्या आप अपनी ओवर बैंक बैलेंस के लिए थोड़ा सा फंड अपने लोगों के वहाँ पे खाली लगा छिट्टा मारना चाहते हो? आवाम की जो ज़रूरत है वहाँ नहीं कर रहे हो? माजी में कब्रस्तान में पक्की डामर की सड़क बनी है, 1% की किसी को तकलीफ नहीं है कब्रस्तान में जाने की, वहाँ पर आप करोड़ों का फंड डाल दिए? अबे भैया रात में मुर्दे उठ के नहीं चलते, आवाम चल रही है, जहाँ आवाम के ज़रूरत है वो काम कीजिए, ऐसे अपने फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं आप।